देखिए, थाना खुर्जा नगर में 25 मई को उपनिरीक्षक प्रदीप गौतम अपने साथी हमरा होमगार्ड दिनेश शर्मा के साथ प्रातःकालीन लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए क्षेत्र में थे। वहां पे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी सर्राफा मार्केट में, जिसमें एक थैला टंगा हुआ था। संभवतः वो मोटरसाइकिल चालक या उसका जो स्वामी था, वो पुलिस को देख करके और लॉकडाउन के उल्लंघन को देखते हुए थैले को छोड़ करके वहाँ से फरार हो गए। ये लोग काफ़ी देर तक इधर उधर घूमते रहे, फिर इन्होंने एक लावारिस मोटरसाइकिल में एक थैले को देखा। थैले को जब चेक किया तो उसमें 7-8 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण भरे पड़े थे। इन्होंने उस व्यक्ति की मोटरसाइकिल वाले की तलाश करानी शुरू की। मोटरसाइकिल वाला भी पीछे कहीं खड़ा था, लेकिन वो अपने को स्वीकार नहीं कर रहा था, न बता रहा था कि ये थैला उसका है। फिर इन लोगों ने सर्राफा अध्यक्ष के माध्यम से लोगों को इकट्ठा किया और फिर उस आदमी की शिनाख्त कराई जिसका वो थैला था, और थैला उसको सुपुर्द किया, जिसकी वहाँ के व्यापार मंडल के द्वारा, सर्राफा कमेटी के द्वारा बहुत बहुत प्रशंसा की गई। उसी परिप्रेक्ष्य में इस होमगार्ड और सब इंस्पेक्टर को नगद धनराशि से आज पुरस्कृत किया गया। ने एक अच्छा और सराहनीय कार्य किया है, और इनके इस कृत्य से हम सभी पुलिसजनों की प्रतिष्ठा जो है बढ़ी है, इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। और सभी लोगों से जो जनपद पुलिस में हैं, हम अपेक्षा करेंगे कि इसी तरह के उच्च आचरण को सार्वजनिक जीवन में प्रदर्शित करें। दरअसल दिनांक 25/5/2021 को मैं तथा मेरे हमरा होमगार्ड दिनेश शर्मा चौकी से लॉकडाउन के उल्लंघन और महामारी के देखते हुए चेकिंग में थे बाज़ार में। तो हम लोग चेकिंग के दौरान सर्राफा बाज़ार में पहुँचे। सर्राफा बाज़ार में एक मोटरसाइकिल पे एक थैला टंगा हुआ था। अमूमन जो गाड़ी मालिक था वो हमें देख के दाएँ बाएँ हो गया था। जब उस बैग को हमने चेक किया तो उसमें लगभग 5 या 7 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण थे। बैग को उतार कर मैंने तथा मेरे हमरा ने सर्राफा बाज़ार के दुकानदारों को और जो सर्राफा बाज़ार अध्यक्ष हैं उनको बुलाया, काफ़ी लोगों को दिखाया उस आभूषण के संबंध में। वो आदमी वहीं देख रहा था, लेकिन हमारे डर के मारे वो सामने नहीं आया। काफ़ी प्रयास के बाद में जब कहा गया तो वो आया सामने और उसने बताया कि ये बैग मेरा है। तो लोगों के सहमति से और दिखाकर उसको बैग सुपुर्द किया गया। बैग में लगभग कितनी कीमत के जेवरात रहे? लगभग 6 से 7 लाख रुपए के जेवरात थे। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।